अपने चैनल डेली फन एंड लर्न विद सोनू एंड ताहा। हा 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 हा। ताहा, आज मैं आपको एक एंजल की स्टोरी सुनाऊंगी। वाओ, एंजल की, वो तो मुझे बहुत पसंद है। हां जी, एंजल की स्टोरी, चलो स्टार्ट करते हैं। एक लकड़हारा बहुत गरीब था। वो दरख्तों की लकड़ियां काट कर अपना पेट पालता था। एक दफा वो दरिया के किनारे लकड़ियां काटने गया तो उसका कुल्हाड़ा पानी में गिर गया। वो बहुत परेशान हो गया तो एक एंजल पानी से निकला। उसने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो लकड़हारे ने बताया कि मेरा कुल्हाड़ा पानी में गिर गया है। तो एंजल पानी में गया और एक सोने का कुल्हाड़ा निकाल लाया। एंजल ने पूछा, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? तो लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। तो एंजल फिर से पानी में गया और इस बार एक चांदी का कुल्हाड़ा निकाल लाया। एंजल ने पूछा, क्या ये चांदी का कुल्हाड़ा तुम्हारा है? लेकिन लकड़हारे ने ये भी लेने से इनकार कर दिया। और इस बार एंजल फिर से पानी में गया और एक लोहे का कुल्हाड़ा निकाल लाया। लकड़हारा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ओ मेरा कुल्हाड़ा। तो फरिश्ता उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे तीनों कुल्हाड़े तोहफे के तौर पर दे दिए। ये बात जाके उसने अपने दोस्तों को बताई। उसका एक दोस्त बहुत लालची था। उसने भी कहा कि मैं जाऊंगा और सोने का कुल्हाड़ा ले लूंगा। तो वो भी गया और दरख्त की लकड़ियां काटने लग गया। उसने जानबूझकर पानी में अपना कुल्हाड़ा फेंका और वहां जाके रोने लग गया। तो एंजल फिर से आया और एंजल ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, मेरा कुल्हाड़ा पानी में गिर गया है। तो एंजल एक सोने का कुल्हाड़ा निकाल लाया पानी से। लकड़हारे ने कहा, हाँ ये मेरा कुल्हाड़ा है। एंजल ने कहा, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, चले जाओ यहाँ से। और लकड़हारा इससे अपने कुल्हाड़े से भी हाथ धो बैठा। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और लालच बुरी बला है। सुनो, ये तो वाकई में बहुत अच्छी कहानी थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।